मेरा नाम। क्या हुआ राधा? इनको कैंसर हुआ है मेरे पति को, और इनका ना इलाज हो रहा है, कीमो चढ़ रही है, तीसरी बार कीमो चढ़ी है। अब ये भर्ती नहीं कर रहा है ना, अंदर ही होकर वक्त आ रहा है, उल्टी हो रही है काफ़ी, कुछ भी नहीं पच रहा है, चला फिर अभी नहीं जा रहा है, अब तो परेशान जाना है। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? यहाँ आता रहे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, दीनदयाल जाओ या मलकान जाओ, नहीं ले रहे एडमिट। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है और मैं बदायूं से आया हूँ यहाँ पर भाई को लेकर के। 2 हफ्ते हो गए, करीबन 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर, और डॉक्टरों ने हड़ताल रखी है यहाँ पर, और बार बार यही कहते हैं कि कुछ दिन के बाद होगा, कुछ दिन के बाद होगा, और काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बंद है इमरजेंसी सेवा? जी, इमरजेंसी सेवा बंद है सब। अब कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? अब घर पर लेकर जा रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद कहा है 2 हफ्ते के बाद आना, अब 2 हफ्ते के बाद आएंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। क्या डिमांड्स हैं आपके? देखिए, हमारी डिमांडों को लेकर के इससे पहले जो हम लोग 106 दिन से मुसलसल, आज 107 दिन का धरना चल रहा है ग्लास हाउस में, इसको आपने जब हमारे धरने का 13 दिन हुआ था तो आप लोगों ने मीडिया के ज़रिए से लोगों को बताया था हमारे धरने के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी तरफ आगाह कराया था, हमारी मांगों को की तरफ मुतवज्जे कराया था। लेकिन 106 दिन का जो धरना कल तक जो था मुसलसल चलने के बाद, 105 दिन के धरने के चलने के बाद, लोग एकदम हताश, निराश, परेशान होकर के एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये का जिस तरह से रवैया हमारी मांगों को लेकर रहा, वो काबिले मजम्मत रहा है, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। हम लोग 31 अक्टूबर को इस जो कल से हम लोगों ने जो स्ट्राइक की है, 31 अक्टूबर से हम लोगों ने ये कर दिया था कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, हमारी मांगों को पूरी कीजिए। और ऐसा नहीं था कि मांगे हमारी मानी नहीं जाती, 119 मांगों को लेकर के 105 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल्ला आजमी 7 दिन तक बीमार रहे, मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहे उसी धरने पे से, और मैं 5 दिन तक मैं भी बीमार रहा, दवाएं खाया। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हुकूमत हिंद का हमारी मांगों को लेकर कोई सीरियस नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। तो अब कब तक हड़ताल चलेगी आप? देखिए, हमारी हड़ताल कल हम लोगों ने GBM बुलाई थी, उसमें लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में हमने उसकी वीडियोग्राफी भी की थी, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे, तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब आर पार की लड़ाई करनी है। हम लोग भी तंग आ गए हैं, 105-6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी अब चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों, धरना वरना ख़त्म करें। तो आखिर में यही हमने देखा कि यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बन गया है कि जब तक अपने आप को स्वास्थ्य सेवाओं से अलग नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमारी बातें नहीं मानेंगे। क्या क्या सेवाएं बंद कर रखी हैं? सारी जितनी जैसा है, चाहे इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे OT हो, ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी ठप है इस वक्त, हम लोगों ने बंद कर रखी है।